यहां पर एक मैट्रिक्स एम दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगी तो आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं कि M एक मैट्रिक्स है और हरमिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, वो रियल होती हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट आर आपकी करेक्ट होगी तो जहा जहां पर स्टेटमेंट आर को फॉल्स बताया गया है वो बात आपकी गलत है स्टेटमेंट आर आपका ऑप्शन बी में है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर टिक कर सकते हैं लेकिन इस प्रॉब्लम को थोड़ी और तरह से जनरलाइज़ करते हैं यहाँ पर आप देखिए ये मैट्रिक्स एम एक हरमीशन मैट्रिक्स है और किसी हरमीशन मैट्रिक्स को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स में में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आइगन वैल्यू होती है क्या तो जीरो, होती है या या इनका जीरो और प्योरली इमेजनरी नंबर होती हैं इमेजनरी नंबर यानी कि प्लस आयोटा और माइनस आयोटा उसमें इन्वॉल्व होगा आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर रियल ये स्टेटमेंट एस आपकी क्यू फॉल्स है क्योंकि उसकी आइगन वैल्यू प्योरली प्योरली आई एम क्या होगा स्क्यू हरमिशियन होगा और स्क्यू हरमिशियन होने की वजह से इसके आइगन वैल्यू प्योरली इमेजनरी भी हो सकती है इसलिए ये स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो जाते हैं एम एक हरमिशन मैट्रिक्स है तो आई एम एक हरमिशन होगा ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है ऑप्शन फर्स्ट में कहा गया है कि एम एक स्क्यू हरमिशियन है ये बात गलत है क्योंकि एम आपकी हरमिशन मैट्रिक्स है यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है